आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वर्तमान सरकार की रीतियों और नीतियों के खिलाफ सपा के कार्यकर्ताओं ने किरावली तहसील मुख्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ सपाइयों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, देश विरोधी है, इस सरकार को जल्द से जल्द हटाना है। वहीं नारेबाजी करते हुए सपाइयों ने कहा कि सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। सरकार जिस तरीके से किसान विरोधी अध्यादेश लाकर किसान को बर्बाद करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर प्रदेश की हर तहसील में आज 21 तारीख को धरना प्रदर्शन हमारी समाजवादी पार्टी का हो रहा है। उसी कड़ी में विधानसभा फतेहपुर सीकरी में हम तहसील करावली पर समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और किसान, बेरोजगार, नौजवान सब हमारे लिए साथ आए हुए। आप देख सकते हैं कैमरा अपना पीछे घुमाकर, हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों की मांग है कि प्रदेश सरकार में किसान के विरोध में काम हो रहा है, किसान हित में काम हो रहा है, नौजवानों का हित में काम हो रहा है, बेरोजगारों का हित में काम हो रहा है, कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। इसी कड़ी में आज हम लोग अपना आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। हमने एसडीएम साहब को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। हम लोगों की मांग है अगर ये हमारी बात राज्यपाल महोदय तक नहीं पहुंची तो अगली बार हम सड़कों पर बैठने का काम करेंगे। हर तहसील पर भारतीय जनता पार्टी की जो भूमि भरी सरकार है, जो वायदा कर आई थी कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे, वो वायदा कर आई थी लेकिन उन्होंने कोई वायदा नहीं, 2 करोड़ रोजगार उन्होंने छीनने का काम किया। साथ में उन्होंने वायदा किया था किसानों के मान सम्मान की लड़ाई, लेकिन आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है और ये वायदा करके आई थी कि हम छात्रों की खुशहाली लाने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा दुखी है तो छात्र है, छात्र भी इस समय खुदकुशी करने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस समय कोरोना महामारी को लेकर इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन अपनी एक भी बात पर अपनी सरकार अटल नहीं हो पाई। आज सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार की बात होती है तो कोरोना महामारी को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज जो ज्ञापन सौंपा गया है वो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए सौंपा गया है, जिसमें 11 सूत्रीय मांगे रही हैं, जिनमें जन समस्याओं को लेकर काफ़ी उनके समस्याएं हैं जो कि इसको महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए भेजा जाएगा, हमारी तरफ से फॉरवर्ड कर दिया गया। सपाइयों ने किरावली चौराहे से पैदल मार्च निकाला और तहसील कार्यालय के गेट पर पहुंच गए, जहां पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। काफी देर तक धरना देने के बाद पुलिस ने चुनिंदा लोगों को ही अंदर तहसील में प्रवेश करने दिया। इस दौरान पुलिस के सामने सपाइयों ने कोविड-19 के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क का प्रयोग किया था। सी न्यूज के लिए दिनेश गर्ग की रिपोर्ट।